हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग्स में। आज इस ब्लॉग में हम शूट करने वाले हैं, जा रहे हैं पटना किसी प्रैक्टिकल से, और सभी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे दोस्त हैं सभी जा चुके हैं और हम हैं लेट, तो दो चार गालियों के साथ हमारा स्वागत होगा। और सभी ये हमारे साथ शुभ्रांशु पांडा, तो वैसे तो इसको बाहुबली है कि हमारे कॉलेज का, तो दिखाएंगे इस ब्लॉग में पूरा। और सुबह के बजे हैं 5 और सब लोग हो गए तैयार, और ये हमारे हॉस्टल से ही है बाहर का व्यू, आप देख सकते हो। अरे बट बॉयज हॉस्टल। हे गाइस, आई एम हियर न्यू आरके व्लॉग। दोस्तों, आज मैं हूं आरके व्लॉग के साथ। ये है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त और ये हमारे बाकी दोस्त, और हमें दोस्त। और ये दोस्ती कच्चे सिर्फ व्लॉग तक की है, उसके बाद का दृश्य आपको फिर दिखाएंगे। जयपुर राजस्थान। हाँ हेलो भाई, कैसा है भाई? सब बढ़िया। हाँ, अपना न्याणा आएगा इतने वधिया वीडियो शूट कर रहा है। अपन पहले दसता है कि मुंडिया देख ले, जिमें भी तेरी वीडियो वायरल होनी है तो अपन तेन बधाइया देंगे, तो नाले करिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज तो आज हम लोग सुबह में 4:37 के अप्रोक्स हम लोग उठ गए थे। आज हम लोग जा रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए पटना। तो वह क्या कि हम लोग तो बहुत पहले हम लोग को टाइम दिया गया था 4:30 के अप्रोक्स ही पर हम लोग तो उठ गए थे, पर यहाँ बस ही नहीं आया। अभी हम लोग देखिए कैंपस में खड़े हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू देख रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हैं हमारे कॉलेज का कितना अच्छा मॉर्निंग व्यू है। इतना सुबह तो गए हम लोग कभी उठे नहीं थे, आज सुबह सुबह हम लोग प्रैक्टिकल के लिए उठ गए थे। पर हमारे जो ग्रुप के बहुत सारे इंसान हैं उसको लगता है कि हम लोग प्रैक्टिकल छोड़ कर के हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग ट्रिप पे तो नहीं जा रहे हैं। और ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो गार्डन एरिया है उसका सुबह आपको व्यू है, जैसे आपको दिख रहा होगा ब्लॉक में। और बहुत ही यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के एक शोभा बढ़ाता है, यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं फ्री टाइम में अपना जो है टाइम देते हैं। यहाँ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मूर्ति जिसे आप देख रहे होंगे, और साथ ही साथ हम आगे का फ्रंट व्यू जो है हमारी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जिससे कि ये व्यू है पूरा, और जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस व्यू को अच्छे से अनुभव किए होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और एक बार हम दिखाते हैं आपको साइड से, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं गार्डन, और यहाँ पे अच्छा खूबसूरती से इसको सजाया गया है। और देन हम दिखाएंगे यहाँ पे पूरा व्यू। और ये है मॉर्निंग, सुबह बज गया है 5:30, और हम जब सा रहे हैं सब पटना, और बस का सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये है हमारे तीनों सहपाठी मित्र जो ये लोग ट्रिप पे जा रहे हैं पटना, न कि प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं। वैसे किसी लोग का मेन मोटिव है घूमना, और बस का इंतजार ऐसे कर रहे हैं बेसब्री से, जैसे लग रहा है बिरयानी कुछ देर में मिलने वाली है। और ये हमारे विवेक स्वरूप हैं जो मस्ट हैंडसम बॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज, और भी वर्ड कम है बोलने के लिए। और ये है हमारे ज्ञानी बाबा बाबू, और वो है गरीब स्टडी एडिक्ट सचिन बासरे। तो हम लोग इससे जानना चाहते हैं कि लोग प्रैक्टिकल में जा रहे हैं कि दे दीजिए अशुभ शब्द का उच्चारण करने से। देखिए, ट्रिप का प्लान सोचे थे इस समय पे होगा, और हमने नहीं जा रहा है, और कुछ पता नहीं गाड़ी है भी कि गाड़ी हवा हो गया, पैदल जाना पड़ा, कुछ पता नहीं है, तो बहुत दिक्कत हमारे ज्ञानी बाबा। सुबह सुबह उठा, रात भर सोए नहीं, और आंखें जल रही हैं, हमारी आंखें भी हमें दगा दे रही हैं। वो क्यों है? उस पर हम लोगों का चश्मा लगा हुआ है, वो हाई पावर में चल रहा है, रेड लाइट एरिया में घुस चुके हैं, -3.25 इसका पावर है। और ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से हमको सुबह जलील किया जाएगा।
टाइम नहीं थी, टाइम बोला 4:30 का, ये क्या मतलब होता है? मतलब कि उम्मीद 6 हो गया यहाँ पे, बस का दर्शन तक नहीं हुआ। पता है गाइस हुआ क्या कि हम लोग 4:37 के अप्रोक्स हम लोग यहाँ आ गए थे, तो हम लोग जा रहे थे चाय पीने के लिए, देखे वहाँ तो चाय का टपरी ही बंद था, तो सोचे कि 5 बजे बस आ जाएगा, पर बस ही नहीं आया। ऊपर से हम लोग यहाँ बैठे हुए, काश हम लोग रुक गए होते तो अभी चाय पी रहे थे कम से कम। अभी कहाँ उठ सोया, उठा ही होगा अभी। तो गाइस बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे थे जिस चीज का, वो अभी आ गया है बस हम लोग का, आई थिंक लग रहा है साउंड आ रहा है, और बस तो हम लोग बस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन बैग कौन लेके आएगा? अपना बैग कहाँ है बे? बैग ले रहे थे, हम वापस जा रहे हैं बैग लेने, और बस शायद आ चुकी है, और बस आ चुकी है। सभी स्टूडेंट का इंतजार खत्म हुआ और ये सब हो गया, और अनुराग जी आ जाइए, हो गया खत्म, टाइम हो गया, अभी आ गया बस, आ गया हमारा। बेसिकली गाइस जो हमारे साथ जो मजाक हुआ था ना, बहुत गंदा वाला सुबह वाला, वो अभी 6 बजे परफेक्ट 6 बजे हम लोग का बस आया है, और देखिए सब कैसे दौड़ रहे हैं बस के लिए, ऐसा लग रहा है कि बस नहीं वो वैनिटी वैन आ गया है हमारे लिए। देखिए कैसे दौड़ रहे हैं सब हमारे यूट्यूबर बाबा, देखिए जिसका भी लग, ये हमारे ताऊ जी है राजस्थान के ताऊ जी, जो हमेशा वो उसी चीज के एडिक्टेड है जिस चीज आप देख रहे हैं, गरीबों का पैसा यूनिवर्सिटी। तो गाइस देखिए हम लोग बस में बैठ चुके हैं बेसिकली, और अब हम लोग शायद निकलने वाले हैं बस, तो सब बैठ गए आप लोग देख लीजिए, और बस बंद अभी चल नहीं रहा, रुको चलने दो। हम निकल चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर मेन गेट से, और ये देख सकते हो हमारी बस बहुत टाइम बाद इंतजार करने के बाद आई, और हम निकल रहे हैं अपने मेन गेट से बाहर की, और सभी देख सकते हो, और ये देख सकते हो मेन गेट से बाहर की ओर निकलती बस, ये अच्छा सीन। यूनिवर्सिटी का मेन गेट है जहाँ से आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी पार करेंगे, और ये आप देख रहे होंगे ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेन, और यहाँ से हम जाने वाले हैं पटना, पटना की ओर यहाँ से बस हमारी निकल चुकी है, और काफी स्टूडेंट्स यहाँ बहुत सारे। और ये बस आ चुकी है हमारे पेट्रोल पंप पर, यहाँ पे पेट्रोल डल रहा है देख सकते हो, और ये सुबह का भोर जिसे सूरज अभी उगा है, और हम लोग भी पहुँच गए हैं बस में, सभी नहा धो के तैयार आराम से, और है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और ये सीन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भारत सरकार, जो कि अभी पेट्रोल पंप पे हैं, और सभी लोग दोस्तों मजे कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आगे की ओर, पूसा समस्तीपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी सब स्टूडेंट्स हैं, सब दोस्त हैं मेरे, और बस में बैठे हैं और आराम से हम जा रहे हैं। चलिए एक पीछे की ओर वीआईपी मीटिंग हो रही है, इस वीआईपी मीटिंग को आप एक बार दर्शन करा देते हैं, और अच्छे तरीके से दोस्त यहाँ पे मस्ती कर रहा है। सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाला सुमित रंजन, काफ़ी मस्ती करता है ये लड़का, लेकिन ब्लॉक में अच्छा इंटरेस्टिंग बनाया इसने, और काफ़ी मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
और यहाँ पे राजनीतिक दल आपस में डिस्कस करते हुए और अगली सरकार चुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी। जल्दी ही सरकार चुन लेंगे ये लोग और काफ़ी मस्ती की तरह आगे और बढ़ते। इस ब्लॉग में अच्छा इंटरेस्टिंग पल आपको दिखेगा और इसी तरह से हम अपनी मस्ती करते हुए पटना जल्दी ही पहुँच जाएंगे। जैसे जिस स्पीड से जो चल रही है बस आगे की ओर दौड़ रही है तो जल्द ही हम पटना पहुँचने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम आप निकल चुके हैं पटना की ओर और सभी दोस्त मस्ती करते हुए आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं और हम अभी पूसा से समस्तीपुर से पटना की ओर निकल दिए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको इस ब्लॉग में आगे की ओर कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाई देगी। ठीक है, साथ ही साथ हमें सभी फ्रेंड्स हैं वो अच्छे से इंजॉय करते हुए बस में और पूरा हमारा बैच एक साथ होते और जहाँ भी हमारा प्रैक्टिकल है वहाँ पर हम जा रहे हैं पटना के लिए। तो चलिए आगे के ब्लॉग में और भी इंटरेस्टेड होने वाला है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ब्लॉक में हमने कुछ अच्छी चीज़ें भी देखी, जहाँ पे यहाँ पे गांव में जिस गांव से ये बस गुजर रही है उसी गांव में हमने अच्छी फसलें भी देखी। यहाँ के किसान हैं वो बहुत अच्छी मेहनत करके यहाँ पे अच्छी फसलें आपको कुछ जगह पे दिखाई देंगी, जैसे कि इस ब्लॉक में आपको कुछ जगह पे अच्छी फसल के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस ब्लॉग को काफ़ी जो है हमने अच्छे से शूट करके आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे शो की है और आगे की हम जल्दी पटना के लिए आगे की ओर जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फसलों के बारे में, तो यहाँ के किसान हैं जैसे कि आपको इस ब्लॉग में थोड़े कुछ सीन आपको फसल के हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो पानी की लहरों से यहाँ पे जो है फसल उगाई जाती है, जैसे यहाँ पे पानी भी अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो। किसानों के द्वारा मेहनत की फसल अच्छे से हरियाली यहाँ पे दिख रही है और अच्छी फसल यहाँ पे चारों ओर बाउंड्री करके यहाँ पे फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ हरियाली के सीन हम और दिखाने वाले हैं और अब हम जा चुके हैं पटना की ओर, जो अपना पुल है उस पुल की ओर इंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे चारों ओर दोनों ओर नदी बहती है पुल के नीचे से, जिसे आप इस ब्लॉक में अच्छे से अनुभव कर रहे होंगे। यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पटना से हैं तो बिलोंग करते हैं, तो इस पल को या इस नज़ारे को आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि यहाँ पे कैसा सीन है। ठीक है, तो चारों नदी दोनों नदी बहती है जिसे आप हमारे पुल से ऊपर से इसे शूट किया गया जिसे आप देख रहे होंगे और हम साथीगण अच्छे से एंजॉय करते हुए पटना की ओर जल्दी से बढ़ते हुए और अपना प्रैक्टिकल जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उस काम को हम अच्छे से करके वाकिफ अच्छे से जो हमें प्रैक्टिकल मिला है उसमें हम कंप्लीट करके जल्दी वापस अपने हॉस्टल लौट आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जैसे बताया कि दोनों ओर पानी अच्छा खासा पानी यहाँ पे पुल के नीचे से जाता है, तो जो आपको ब्लॉक में दिख रहा है दोनों ओर पानी अच्छा था बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से बहता है। ठीक है, और ये हमारे जो है पटना में इंटर होते टाइम पुल के नीचे से दोनों ओर पानी बहता है, इसे आप इस ब्लॉक में अच्छे से देख रहे हैं। और ये सीन आपको मेन रोड की ओर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ से फ्रेंड्स ही व्यू दिया है, जहाँ पे ड्राइवर्स ही आराम से अपना जो है ड्राइविंग करते हुए हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी इन्जॉय हमने इस ब्लॉग में किया और जल्द ही हम अपने जहाँ भी हमको यहाँ पे जाना है प्रैक्टिकल के लिए वहीं जल्दी हम पहुँचने वाले हैं। तो कुछ देर यहाँ पे हम ठहर के यहाँ से आगे की ओर हम रवाना होंगे और अब जो है ये ब्लॉग ये आगे दिखेगा। हम पहुँच गए अभी पटना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बस रुका हुआ है कुछ ऐसे ही और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बस है, जैसे हम दिखाएंगे भी उसमें और ब्लॉग को आगे दर्शन करेंगे। देखो सामने हुआ है और स्टूडेंट्स भी राजेंद्र प्रसाद दिखाएंगे मैम से कैसे बात करते हैं और सामने सारे स्टूडेंट्स हैं वो बस में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप जैसे पारुल प्रिया ये है इसका नाम है पारुल प्रिया। और फाइनली हम पहुंच गए हैं विद कटारा और विद सचिन, कैसा लग रहा है? बोरिंग जैसा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, बोरिंग फील कर रहा है। ये हमारे गाड़ी साथ ही हमारी बस भी पीछे लग चुकी है और घर के आगे से आ गए एजुकेशन और